ये 10वां राउंड है, अभी तो कुछ 35 या 37 राउंड और चलना है, तो आप सोच सकते हैं कि जीत गोरखपुर में कितनी ऐतिहासिक होने जा रही है, जो मैं पहले दिन से आप लोगों से कह रहा था, क्योंकि मैं घूमता था और पूरे देश की जीत भी हम पहले से कह रहे थे कि ऐतिहासिक तरीके से मोदी जी एक बार फिर सरकार बनाने जाएंगे, जहां पर लोगों को लगता था कि मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हूं, लेकिन हमको पता है क्योंकि हम ज़मीनी घूम रहे थे, और जो आदमी मेहनत कर रहा था, जो आदमी गांव-गांव सड़कों पर और शहरों में घूम रहा है, उसको ज़्यादा पता है। हम इतने सालों से यहां रहते हैं और मैं देसी लड़का हूं, तो हमको पता था कि मोदी जी को पूरा देश लाना चाह रहा है। और विरोधी, एक सबसे अच्छी बात ये हुई, धन्यवाद दूंगा मैं भगवान का, हर हर महादेव, कि जात पात की राजनीति मोदी जी ने ध्वस्त कर दी, योगी जी ने ध्वस्त कर दी, खत्म कर दिया जात पात की राजनीति को, अब देश मेरा बढ़ेगा। यही मैं चाहता था कि इस देश से ये जात पात की राजनीति निकले, और वो निकल गई, और इससे ज़्यादा खुशी अब मुझे कुछ नहीं है कि अब देश सोचेगा, अब देश बढ़ेगा, और अब ये मेरा भारत एक शक्तिशाली भारत बनेगा, मोदी जी का भारत बनेगा, जिसे पहले हम कहते थे ना कि सोने की चिड़िया होगी, अब वो देश दिखाई दे रहा।